लास्ट वाले एपिसोड में आप लोगों ने देखा T4 लैंटर्न जो कि इविल बन चुका था, वो धीरे धीरे करके शहर की तरफ बढ़ रहा था, उसे गॉड लैंटर्न खींच रहा था। जैसे ही वो वहां पे पहुंच जाता है, गॉड लैंटर्न अपनी शक्तियों से फ्रैंकलिन की आत्मा को दो हिस्से में बांट देता है, एक अच्छाई की आत्मा होती है और एक बुराई की, और अच्छाई की आत्मा यानी अपना नॉर्मल फ्रैंकलिन और दूसरी तरफ T4 लैंटर्न इविल आत्मा में चला जाता है। ऐसे ही फ्रैंकलिन को पता चल जाता है उसकी दो बॉडी बन चुकी है, एक इविल और एक मॉन्स्टर वाली। अब वो सब कुछ एवेंजर्स को बचाने के लिए मैंशन के ऊपर पहुंच जाता है, तभी वहां पे उसे मिल जाते हैं डार्क एवेंजर्स जो कि अलग मल्टीवर्स से आए थे, और उनका मानना था डार्क एवेंजर्स एवेंजर्स से ताकतवर है और वह एवेंजर्स को मारना चाहते थे, इसलिए वो लोग फ्रैंकलिन को बेहोश कर देते। दूसरी तरफ फ्रैंकलिन का भाई फ्रैंकी फ्रैंकलिन को बचाने के लिए मैंशन की तरफ आ जाता है, तभी वहाँ पे डार्क एवेंजर्स का डार्क वेनम और फ्रैंकलिन इन दोनों के बीच में घमासान युद्ध हो जाता है, लेकिन फ्रैंकी कैसे वैसे वहाँ से भाग जाता है और उसे फ्रैंकलिन की अंदरूनी शक्तियाँ मिल जाती है, इसीलिए फ्रैंकी अपनी टीम बनाने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ T4 लैंटर्न और ग्रीन लैंटर्न आमने सामने आ जाते हैं, दोनों के बीच में घमासान युद्ध हो जाता है और उस लड़ाई में इविल T4 लैंटर्न ग्रीन लैंटर्न को मार देता है। अब आगे फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ, यार मैं कैसे अपनी टीम को बनाऊ, और तो मेरे पास शक्तियाँ भी आ गई है। जी हाँ गाइस, मैं फ्रैंकी फ्रैंकलिन के घर में आ गया, ये मेरे भाई का घर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे फ्रैंकी के कपड़े होंगे, हम लोग उसके कपड़े पहनते हैं। ये क्या, ये कौन है? फ्रैंकलिन अंकल, आप यहाँ पे कैसे आ गए? अरे ये क्या, ये खुशबू अलग लगती है, तुम भी लेना, भागो यहाँ से, भागो। नहीं नहीं नहीं, काटने मत, मुझे यार डोगे से डर लगता है, शिट। अरे यार आप यहाँ पे नहीं आ सकते, मैं पुलिस को बुला रहा हूँ, चोर घुसपैठिया। यार ये कैसा डॉगी है, मेरी शक्ल फ्रैंकलिन के जैसी दिखती है, फिर भी वो मेरे को पहचान नहीं पाया। मैं फ्रैंकी हूँ यार, फ्रैंकलिन का भाई। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलो मुझे अपनी टीम बनानी है, लेकिन अब मैं टीम कैसे बनाऊंगा? उरी आ गई पुलिस। क्या पुलिस? और पुलिस आते ही यहाँ पे वेदर कैसे चेंज हो गया? लगता है कोई तो विलन आ गया है, मैं उसको छोड़ने दे वाला, आ जाओ मेरे सामने। ये क्या, तुम लोग कौन हो? फ्रैंकलिन, तुम यहाँ पे? अरे ग्रीन लैंटर्न, ये तो फ्रैंकलिन अंकल है। फ्रैंकलिन अंकल, आपने मुझे पहचाना क्या? मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, वैसे मैं तुम्हें जानता तो नहीं हूँ, लेकिन तुम लोग हो कौन, जल्दी बोलो। और ये बच्चा तो कोई तो देखा हुआ लग रहा है, कौन हो तुम? अरे आपकी याददाश्त चली गई है क्या? मुझे भी यही लगता है शिनचैन। अब क्या करें, मेरे को समझ में नहीं आ रहा गाइस, यहाँ पे गड़बड़ हो गई है। आप लोगों ने पता चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और हम लोग 1 मिलियन के बहुत नियर है, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके 1 मिलियन तक पहुँचा दो। अरे यार ये तुम लोग क्या कर रहे हो, हटो यार से, मैं फ्रैंकलिन नहीं हूँ, मैं हूँ फ्रैंकी। शिनचैन ये फ्रैंकी है, इसका मतलब फ्रैंकलिन का भाई हकीकत में आ गया। अब तो लगता है सारे विलन हकीकत में आ गए होंगे। अरे तभी यहाँ पे वेदर चेंज हो गया है, मुझे तो डर लग रहा है। क्या ये तुम्हारी वजह से वेदर चेंज नहीं हुआ, तुम वो विलन नहीं हो? नहीं हम लोग नहीं है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो बोलो? अरे मारो इसे, ग्रीन लैंटर्न, शिनचैन तुम यहाँ पे आ गए? अरे चुप, ये तो हमारे फ्रैंकी भाई है, फ्रैंकलिन अंकल के भाई फ्रैंकी। क्या कहा? अरे हाँ ये डिट्टू दिख रहे उसकी तरह। वैसे मुझे मिल गया, तुम लोग विलन नहीं हो और फ्रैंकलिन के बहुत अच्छे दोस्त लगते हो। एक मिशन के लिए मुझे अपने दोस्तों को चुनना था, मुझे अपनी टीम चुननी थी, क्या तुम लोग मेरा साथ दोगे? अरे क्या करना है मैं तो बताओ, हम आपके लिए जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन मेरे को तुम्हारे अंदर कोई तो पावर महसूस हो रही है, क्या तुम कभी ग्रीन लैंटर्न से मिले हो बच्चे? पता तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक सूट की वजह से पावर थी, अब मैंने वो काला कलर का सूट फेंक दिया है, अब मेरे पास अंदरूनी शक्ति है, पता नहीं कैसे। लगता है फ्रैंकलिन की वजह से तुम उसके भाई हो, उसका DNA तुम्हारे अंदर है, भले तुम वर्चुअल दुनिया से आए हो, सॉफ्टवेयर से आए हो, एक एक्सपेरिमेंट का नतीजा हो तुम, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे अंदर भी फ्रैंकलिन की शक्ति आ गई। ये भी ग्रीन लैंटर है क्या? ओह माय गॉड, आप भी ग्रीन लैंटर हो? क्या ये ग्रीन लैंटर क्या है? तुम्हें पता नहीं है ग्रीन लैंटर क्या है? अब गाइस हमें मिल गया है ग्रीन लैंटर, वो भी फ्रैंकलिन के भाई फ्रैंकी के रूप में। मेरे को पता नहीं ये हो क्या रहा है, लेकिन ये नाम सुन के ग्रीन लैंटर्न मेरे अंदर की शक्तियाँ बढ़ रही है। हमें मिला है नया फ्यूचरिस्टिक ग्रीन लैंटर्न, क्या तुम बनना चाहोगे ग्रीन लैंटर्न? अरे उसके लिए टेस्ट देना पड़ेगा। अरे देना तो पड़ेगा क्योंकि फ्रैंकलिन अंकल मुसीबत में है। हाँ मैंने देखा फ्रैंकलिन को डार्क एवेंजर्स पकड़ के लेके गए। डार्क एवेंजर्स क्या चिड़िया का नाम है, एवेंजर्स होंगे? अरे हाँ वही तो। नहीं वो डार्क एवेंजर्स नहीं, इविल थे। शिट,
मुझे लगता है टाइम ट्रेवल को ओपन किया गया है और मुझे पता ही है कौन कर सकता है। चलो हमें फ्रैंकलिन को बचाना है। ये सब कुछ करने वाला रेड लैंटर्न है। और आपको पता है ये सब कुछ जो एक्सपेरिमेंट फेल किया है वो किया है पेनीवाइज ने। अरे क्या कहा, घोस्ट कम्युनिटी ने। इसके अंदर घोस्ट कम्युनिटी का बहुत ही बड़ा हाथ है, मैं उसको छोड़ने नहीं वाला। कोई बात नहीं, चुप, हम लोग संभाल लेंगे। तो चलो, सोच क्या रहे हो, अब है हमारी नई टीम। सही कहा, चलो अब दुनिया को बचाते हैं। अब मैं आ रहा हूँ दुनिया को बचाने, वो भी स्टाइल में। क्योंकि हम लोग के लिए है, जल्दी जल्दी चलो हम लोगों को फ्रैंकलिन को बचाना है। अरे रुको बच्चे, तुम्हें चोट लग सकती है। अरे भाई साहब, फ्रैंकलिन के भाई फ्रैंकलिन ने अब तक मुझे पहचाना ही नहीं है। मैं हूँ, अब तक तो मैंने दुनिया को कितनी बार बचाया है। ग्रीन लैंटर्न, मुझे एक बात बताओ, ये वेदर चेंज तभी होता है जब कोई मॉन्स्टर आता है, सही कहा ना? सही कहा, और तुम्हें पता है वो मॉन्स्टर कौन है? अरे ये नहीं हो सकता। अरे लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, ग्रीन लैंटर्न तो टीम फोर लैंटर्न से फाइट करने गए थे, यहाँ पे कैसे आ गए? मैं तो अकेले यहाँ पे आया था, ग्रीन लैंटर्न मुझे रास्ते में मिल गए, लगता है कुछ गड़बड़े। वो ग्रीन लैंटर्न नहीं हो सकते। ग्रीन लैंटर्न भागो फ्रैंकी भागो, ये ग्रीन लैंटर्न नहीं है, मैं उसकी खुशबू जानता हूँ। क्या कहा, ये ग्रीन लैंटर्न नहीं है, तू ये है कौन? अब तुम्हें पता चलेगा मैं हूँ कौन। अरे भागो, ये रेड लैंटर्न है। तू पूछे भेगो, ये ले। अरे नहीं नहीं, ये क्या, तुमने उसे मारा, तुम ही विल हो। सही कहा, मैंने ये वेदर चेंज किया है, अब तुम मरोगे, तुम अब मेरे साथ चलोगे। नहीं प्लीज, कोई बचाओ। मैं यही जानना चाहता था कि तुम्हारे अंदर ग्रीन लैंटर्न की शक्ति तुम्हारे भाई की वजह से पनप तो नहीं लगी, लेकिन ये पक्का हो गया तुम्हारे अंदर भी वही शक्ति आ रही है और मेरे लिए ये खतरा है। अरे भाई साहब, ये क्या, फ्रैंकलिन अंकल को बचाने के लिए हम लोगों को जाना था। फ्रैंकलिन अंकल कहाँ पे चले गए? अरे ऊपर देखो। अरे भाई साहब, ये क्या, ये ग्रीन लैंटर्न कहाँ से आ गया? अरे ग्रीन लैंटर्न के रूप में, ग्रीन लैंटर्न था ये। ओह माय गॉड, ग्रीन लैंटर्न के रूप में रेड लैंटर्न, इतना बड़ा धोखा, मैं तुझे छोड़ने नहीं वाला रेड लैंटर्न। मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मुझे छोड़ दो, क्यों पकड़ा है मुझे, प्लीज छोड़ दो। असीम शक्तियों का मोहताज बनाऊंगा। मुझे नहीं बनना। ग्रीन लैंटर्न ने गॉड टाइटन को अच्छा बनाया, ग्रीन गॉड बनाया, अब मैं तुम्हें बनाऊंगा रेड गॉड टाइटन, रेड गॉड, समझे? मुझे कोई गॉड नहीं बनना, मैं तुम्हें बनाऊंगा। नहीं, तुम बनोगे रेड गॉड। नहीं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? सरप्राइज, तुम बन गए रेड गॉड। मुझे ये क्या कर दिया तुमने? नहीं, कुछ सोच नहीं रहा क्या? मैं तुम्हारा मालिक हूँ, मैं आपका गुलाम हूँ, मैं हूँ रेड गॉड, आप जो मुझे कहोगे मैं वो करूँगा। तू जाओ, मार दो फ्रैंकलिन को। सही कहा, मैं फ्रैंकलिन को मार के रहूंगा, ये मेरा नया मिशन है। आका, आपके लिए रेड गॉड को बहुत ताकतवर बनाऊंगा। सही कहा, जाओ मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें बनाया है, दुश्मनों को तबाह करो। सही कहा, अब मैं जाऊंगा और दुश्मनों को तबाह करूंगा। तब तक मैं चला अपनी पावर को बढ़ाने, जाओ दुश्मन को मार गिराओ मेरे बच्चे। सही कहा, दुश्मन मैं आ रहा हूँ तुम्हें खत्म करने। ऐसे बोलते एक तीर दो निशान, मैं शक्तिशाली हूँ। अरे बाप रे बाप, चुप, ये देखो ये यहाँ पे क्या कर रहा है। अरे हाँ वही तो, फ्रैंकी को देखो क्या बना दिया। ये फ्रैंकी का भाई है और उसी को उसके खिलाफ कर रहा है ये रेड लैंटर्न। अब हम क्या करेंगे शिनचैन? अरे मुझे नहीं पता क्या करेंगे, लेकिन हम लोगों को कुछ भी करके फ्रैंकी को बाहर निकलना है, चलो चलते हैं। सरप्राइज, तुम कहाँ पे जाओगे? अरे बाप रे बाप, नहीं, इसने हमें देख लिया। ओह माय गॉड, कोई तो बचाओ प्लीज। गाइस, आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, क्योंकि हम लोग खतरे में हैं, प्लीज। अब तुम मेरे हाथों से मरोगे, समझे तुम? अरे भाई फ्रैंकी, तुम फ्रैंकलिन के भाई हो, प्लीज याद करने की कोशिश करो। अब तुम मरोगे, मेरी शक्तियाँ बहुत ही खतरनाक है। अरे हाँ वही तो, बहुत खतरनाक है, आपकी आंखें देखो कितनी लाल हो गई है। अरे हाँ वही तो, कितने खतरनाक लग रहे हो आप। अब तुम मेरे हाथ से मरने वाले हो। अरे भाई साहब प्लीज, कोई बचाओ। कोई बात नहीं बच्चे।
और ये आवाज किसकी है? अरे मेरे को नहीं पता, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। जो प्लीज कोई है, प्लीज बचाओ मेरे को। और तुम्हारे पास अमृतिक्स है ना? अरे लेकिन वो तो डिस्चार्ज हो गया है। इतनी घटिया वॉच है। कोई बात नहीं, मैं आ गया। और ये क्या चीज है शिनचैन? अरे पता नहीं ये क्या चीज है, ये कितना बड़ा है। अरे ये तो मेरे को दिखाई भी नहीं दे रहा, चमक रहा है। अरे हमारा हीरो आ गया, ये देख शिनचैन, इसका लोगो। अरे ये तो ग्रीन लैंटर्न है, ग्रीन लैंटर्न प्लीज बचाओ। ग्रीन लैंटर्न अब नहीं रहा। अरे क्या बोल रहे हो? सही कहा, टीम फोर लैंटर्न ने ग्रीन लैंटर्न को खत्म कर दिया। तुम जाओ बच्चे, मैं इस चिड़िया को देखता हूँ। तुम मुझे देखोगे, मैं हार नहीं मानता कभी, समझे? अरे भाई सभी कितने खतरनाक है। ऐसी बात है, अब तुम मेरे हाथ से मरोगे। अरे अब हम क्या करें शिनचैन? अरे मेरे पास तो एक आईडिया है, चलो यहाँ से निकलते हैं। आजा कुछ, अरे मैं कूद नहीं सकता। अरे कोई बात नहीं कुछ, मैं पैराशूट खोल दिया है, उसके ऊपर कूद जाए। हम लोगों को कुछ भी करके फ्रैंकल अंकल को बचाना पड़ेगा। अरे ये क्या चीज है शिनचैन? अरे गाइस आप लोगों ने पहचाना, ये क्या चीज है? अरे हमारी यादों की याद, मेम्ब्रोस की मेम्ब्रेस, हमारी लैम्बोर्गिनी से याद। अरे हाँ ये तो बहुत ही औसम है, मजा आ गया। लैम्बोर्गिनी कहाँ पे थी शिनचैन? अरे मैंने ढूंढ ली और इसे ऑमरिडिक्स में छुपा के रख दिया। ऑमरिडिक्स में इतनी जगह है? अरे उसके अंदर बहुत जगह है, यहाँ पे वो दोनों के फाइट कर रहे हैं। हमें ऐसे निकलना पड़ेगा। अरे बाप रे बाप, सही कहा, निकलना पड़ेगा क्योंकि बेटा चेंज हो गया है। लेकिन जाएंगे कहाँ पे, वो तो अपनी झगड़ा कर रहे हैं। अरे काम करते हैं, हम लोग सीधा निकलते हैं एवेंजर मैंशन के ऊपर और वहाँ स्प्रिंकलर को बचाएंगे। अरे हाँ सही कहा, लेट्स गो। आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो भड़क से कर दो, हम लोग 1 मिलियन के नियर है और अब हम लोगों को बचाना है फ्रैंकलिन अंकल, द ओरिजिनल वन का। लेट्स गो, सही कहा, लेट्स गो। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा पाओगे? तुमने वेदर को चेंज करके क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम ज्यादा स्ट्रांग हो? तुम्हें पता है मैं असली गॉड टाइटन हूँ। हाँ तुम असली गॉड टाइटन हो, लेकिन तुम मुझे कदापि नहीं हरा सकते, समझे? अब दोनों के बीच में हो जाए वॉर। सही कहा, आजा आजा आजा। मैं डरता हूँ क्या तुमसे? मैं फ्रैंकलिन को खत्म करूंगा क्योंकि मैं रेड लैंटर्न का वंशाजू और मैं पावर लैंटर्न यानी ग्रीन लैंटर्न का मनोबल की शक्ति जय हो। ऐसी बात है, डर की शक्ति जय हो। आजा आजा हमला। और शिनचैन ये क्या कर रहा है, कहाँ पे जा रहा है? अरे जो मुझे एक रास्ता बताए, हम लोग वहाँ से मेंशन की तरफ घुस सकते हैं और फ्रैंकलिन अंकल को बचा सकते हैं, समझे? और लेकिन तू जाएगा कहाँ से? अरे मेरे पास ऑपरेटिंग से, तू यहीं पे रुक, मैं फ्रैंकलिन अंकल को लेके यहाँ पे आता हूँ, ठीक है? अरे हाँ ओके शिनचैन। और अब यहाँ पे अपग्रेड होने का टाइम आ चुका है, 3, 2, 1 ट्रांसफॉर्म। अरे शिनचैन ये क्या बन गए तुम? अरे और क्या, मैं बन गया हूँ एक्सेलरेट जो कि बहुत तेज है, लेकिन आजकल इसकी पावर बहुत कम हो गई है इसलिए मैं बहुत तेज नहीं भाग पा रहा। अरे तू बना क्यों? अरे लेकिन बीच में मेरे को स्पीड महसूस होती है तब मैं भाग सकता हूँ। थोड़ा बच के। अरे कोई बात नहीं चौप, थोड़ा ध्यान से, ये क्या? अरे हाँ वही तो, वो कोई तो है लेकिन वो आयरन मैन नहीं है। तुम लोगों का मैंने यहाँ पे कैद किया, पकड़े गए ना? तुमने मुझे यहाँ पे कैद क्यों किया, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? हाँ तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, लेकिन मैं अभी हुआ हूँ नहीं जो मैं था, और ये है वो मैं ही था। क्या बोलना चाहती हो तुम? मैं कन्फ्यूज हो गया हूँ, मुझे क्यों कैद किया और मेरी ये रूह को क्यों कैद किया? मैं एक डार्क एवेंजर हूँ, अब मैं तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करूंगा। मैं आया उसके बाद तुम्हारा नामो निशान मिटेगा, दोनों की पावर छीन लूंगा और सारे एवेंजर्स को यूनिवर्स से गायब कर दूंगा। यही डार्क एवेंजर्स का मकसद है। रुको, आजाद करो हमें। जल्दी जल्दी करते, मेरे पास टाइम नहीं है। एवेंजर्स को खात्मा, यही डार्क एवेंजर्स की आखिरी ख्वाहिश है। शिनचैन क्या कर रही हो, अब जाओ। अरे हाँ मजा आ गया, वो तो भाग गया। चलो फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, गाइस चलो फ्रैंकलिन अंकल को बचाते हैं। शिनचैन तू यहाँ पे, शिनचैन तुम यहाँ पे। अरे ये क्या, तो फ्रैंकलिन इनमें से असली कौन है? मैं हूँ। आए मैं हूँ, मैं असली हूँ समझे? अरे नहीं मैं हूँ असली। अरे मैं तो कंफ्यूज हो गया। अरे ये बहुत ही बड़ी संकट आ गया, अब क्या करे? अरे मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, गाइस यहाँ से कौन सा वाला असली है? राइट लेफ्ट फ्रैंकलिन अंकल, टीम फॉर लैंटर्न भी है, टीम फॉर लैंटर्न फ्रैंकलिन भी है, अब मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। शिनचैन प्लीज, मैं हूँ असली, हमारे पास टाइम नहीं है, डार्क एवेंजर्स आते होंगे। सही कहा, जल्दी करो, डार्क एवेंजर्स आते होंगे, हमारे पास समय नहीं है। अरे अब मैं क्या करूँ, असली कौन है? अरे यार शिनचैन, यहाँ पे मेरे पास एक आईडिया है। अब देख
मैं कैसे छूटता हूँ बेवकूफ। वो तो देखा जाएगा, हकीकत ही जीतेगी समझे। तुमने पावर्स का गलत इस्तेमाल किया समझे। लेकिन सोचो, मैं ही तो तुम हो, तुम हो तो मैं हो। नहीं, मैं तुम नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अंदर एक ईगो बढ़ चुका था। मेरे ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जो कि ग्रीन लैंटर्न ने किया था, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि वे एक्सपेरिमेंट मेरे लिए ही था। अच्छा हुआ वो एक्सपेरिमेंट हुआ, अब मेरे अंदर से सारी बुराई निकल चुकी है और सारी बुराई का नतीजा है ईविल टीम फॉर लैंटर्न। सही कहा ना? हाँ सही कहा, लेकिन अब शिनचैन मुझे आजाद करेगा देख। अरे हाँ, जो क्या बोल रहा था वो तो बोल। अरे मुझे पता है यहाँ पे क्या गड़बड़े। अरे ये दोनों ईविल और अच्छे लोग है। क्या कहा चॉप? बुरे और अच्छे लोग, अब इनमें से बुरा कौन है और अच्छा कौन है? एक काम कर, उसे बोल चॉप को किस कौन करेगा। जो भी चॉप को किस करेगा वही इसलिए फ्रैंकलिन जो नहीं करेगा वो नकली है। ऐसी बातें? ओके मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ। मैं तुम दोनों में से किसी एक को आदत करूंगा, लेकिन मुझे एक मिशन का आंसर दो। जल्दी पूछो। नहीं कहा, जल्दी पूछो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है शिनचैन। अरे रुको तो जरा, मेरे को एक बात बताओ, हमारा जो चॉप है घर के अंदर, उसको किस कौन कौन करेगा? क्या कहा चॉप? थू, चॉप को कौन किस करेगा? हाँ सही कहा, चॉप को कौन किस करेगा बेवकूफ कहीं। उसको तो मैं मार दूंगा समझे, किसी काम का नहीं है, उससे अच्छा मैं मर जाओ। ओए ओए पागल पागल बेवकूफ, वो मेरा चॉप है समझा। मैं उसे भले किस ना करूँ, लेकिन अगर मजबूरी में करना पड़े तो मैं कर सकता हूँ समझे, क्योंकि वो मेरा प्यारा चॉप है, बचपन से मैंने उसे बहुत ही अच्छे से प्यारा है। मैं तो नहीं करूँगा बेवकूफ कहीं का, उसको तो ऐसी गर्दन मुड़ के फेंक दूंगा, मार दूंगा फेंक दूंगा, लेकिन किस नहीं करूंगा। नहीं भाई शिनचैन, मैं तो करूंगा, लेकिन स्टार्टिंग में बुरा तो लगता है। अरे ये अपना फ्रैंकल अंकल है। अरे है भाई, तो फ्रैंकल अंकल आप मुझे मिल गए, चलो मैं आपको आजाद करता हूँ। या, कैसे? तुमने कैसे समझ लिया कि यही फ्रैंकलिन है बेवकूफ? अच्छाई, मैंने कहा था अच्छाई करोगे तो सब कुछ होगा। घुसपैठियां घुसपैठियां घुसपैठियां। शिनचैन हमें निकलना पड़ेगा। अरे तो जल्दी चलो, पीछे की साइड गाड़ी खड़ी है, चलो चलते हैं। भाग नहीं सकते फ्रैंकलिन, वो भी डार्क एवेंजर्स से। शिट, इसकी सेना। हाँ ये क्या हो गया, अचानक से वेदर चेंज कैसे हो गया? अरे वो आ रहा है, जल्दी भागो। अरे क्या कहा, कौन आ रहा है फिर चौक, वो तो बता। अरे वही ग्रीन लैंटर्न का दुश्मन। क्या कहा? रेड लैंटर्न। शिट, नहीं 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 नहीं, अब मैं क्या करूँ? अरे पीछे की साइड आ जाओ। सही कहा, ये ले ये ले ये ले ये ले, तुम लोग ऐसे नहीं मानने वाले। ये ले। अरे भाई जल्दी करो, इनको खात्मा करो। अरे जल्दी जल्दी पीछे आ जाओ। ओके अब मैं ही लेके आता हूँ कार को। अरे ये क्या हो गया, ये कौन सी कार है चॉप? अरे ये अपनी लैम्बोर्गिनी है, अब भूले तुरे। अरे वही तो, यही तो हमारी लैम्बोर्गिनी है, लेकिन चॉप ये थोड़ी बदली गई थी। अरे मैंने गलती से मॉडिफाई कर दी। अरे हाँ ये मॉडिफाई भी होती है ना। वो ये मॉडिफाई भी होती है। अरे जल्दी करो भागो, गाइस हमें भागना पड़ेगा, अंदर से इंटीरियर तो बहुत ही खतरनाक है। अरे लेकिन यार डिक्की के अंदर मेरा दम घुट रहा है। और मेरा भी। क्या शिनचैन तुम डिक्की के अंदर छुप गए थे? शिट 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 शिट, पुलिस वाले पीछे पड़ गए। उससे बड़ी प्रॉब्लम है आपके बगल में। क्या आपके बगल में? अरे लेफ्ट साइड पे देखो, लेफ्ट साइड। क्या कहा? लेफ्ट साइड पे। अरे बाप रे बाप, ये कौन है? अरे ये नहीं पता। अरे ये तो आइंस्टाइन है, आइंस्टाइन को किसने जगाया? अब मैं तुम सबका खात्मा करूंगा, मैं आ चुका हूँ। ओ तेरी की, भागो 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 भागो। मेरे को गाइस एक बात तो समझ में आ गई है, कोई तो है जो कि बड़े बड़े गॉड टाइटन्स को जन्म दे रहा है, उनको बुला रहा है, उनको क्रिएट कर रहा है। अरे लेकिन अपने पास तो पावर नहीं है, हम लोग पावर कहाँ से ले सकते हैं वो तो बताओ। अरे तुम्हें पता है अभी अभी रेड लैंटर्न आया था, वो क्या बोला था? वो बोला था तुम्हें पावर मिल सकती है, वो भी हमारे फ्रैंकलिन के अंकल की जैसी, वो भी फ्रैंकी को। क्या मेरा भाई फ्रैंकी, वो कहाँ पे? अरे उसे तो गॉड टाइटन बना दिया रेड लैंटर्न ने। भले वो मेरा भाई वर्चुअल दुनिया का है, लेकिन मैं उसे मरते दम तक बचाऊंगा। मेरे भाई मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने। सिस्टम फैन सिस्टम फैन सिस्टम फैन। शिनचैन तुम अपने दोस्त को बचाने आए थे, लेकिन मुझे आजाद कर दिया इन डार्क एवेंजर्स से। डार्क एवेंजर्स, तुम्हारा खात्मा मेरे हाथों से लिखेगा। तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते, मैं कितनी बार बता रहा हूँ। मुझे कैद किया इसका मतलब मुझे हराया, ऐसा नहीं होता ना। बेवकूफ लैंटर्न्स, बेवकूफ डार्क एवेंजर्स, बेवकूफ है सब लोग, लेकिन ईविल टीम फॉर लैंटर्न इतना भी बेवकूफ नहीं है। ये ले, ऐसे नहीं मानोगे तुम। तुम्हारा खात्मा करना पड़ेगा। मर जाओ सब लोग। डार्क एवेंजर्स, मैं तुम्हें देखूंगा बाद में।
पहले मुझे फ्रैंकलिन को रोकने जाना है, क्योंकि वो अपने आप को फिर से ग्रीन लैंटर्न में तब्दील करने के लिए जा रहा होगा, और मेरे लिए वो खतरनाक है। ईविल टीम फॉर लैंटर्न आता ही होगा, फ्रैंकलिन।